नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु उपाय में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। दोस्तों, 6 मई को मोहिनी एकादशी है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ऐसे कोई भी काम न करें जिससे आपके द्वारा किए गए पुण्य के काम पाप में बदल जाए, जो कि आपके आने वाले जीवन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस दिन पूजा पाठ करने से आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। इस बार मोहिनी एकादशी 6 मई शनिवार के दिन है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी के बारे में श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत को करने से लोक और परलोक में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। साथ ही कहा जाता है कि इस व्रत को करने से आपको 10,000 सालों की तपस्या के बराबर फल मिलता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार जो इंसान विधि विधान से एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करता है, उसे वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत से कई पीढ़ी द्वारा किए गए पाप भी दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है, दोस्तों, वो इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान को स्मरण करते हुए विधि के साथ पूजा करें और उनकी आरती करनी चाहिए। साथ ही उन्हें भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण की पूजा का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इस दिन ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन या फिर दान देना चाहिए। यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इस व्रत को करने से समस्त कामों में आपको सफलता मिलती है। आइए हम आपको आज इसकी पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। एकादशी 5 मई की रात 11:14 पे शुरू हो जाएगी और एकादशी समाप्त 6 मई को दोपहर 12 समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, एकादशी पारण का समय है 7 मई 6:53 से 9:05 तक। विधि को ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान को याद करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके बाद सभी कामों से निवृत्त होकर आप स्नान कीजिए और दोस्तों उसके बाद पूजा स्थल में जाएं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से करें। इसके लिए आपको धूप, दीप और नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से रात को दीप दान करें। इस दिन रात को आप सोए नहीं, सारी रात जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें और इसी साथ भगवान से किसी प्रकार आपके द्वारा हुई गई गलती के लिए क्षमा भी मांगें। अगले दिन यानी कि 7 मई की सुबह जल्दी उठें तो उसके बाद ब्राह्मणों को सम्मान आमंत्रित करके भोजन कराएं। अपने अनुसार उन्हें भेंट और दक्षिणा जरूर दें। इसके बाद सभी को प्रसाद देने के बाद खुद भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, व्रत के दिन व्रत के सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही जहाँ तक हो सके व्रत के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में उसे नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आपको हजारों सालों की तपस्या के बराबर फल मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो और आप इस प्रकार विधि से जरूर व्रत कीजिएगा, आपको जरूर फल मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।